मशहूर ऑथर शिव खेरा ने अपने सिंगापुर एक्सपीरियंस के बारे में लिखा था। 6 साल पहले शिव एयरपोर्ट पर लैंड हुए, एक टैक्सी ड्राइवर को बिजनेस कार्ड दिया कि यहाँ पर ले चलो। वहाँ पहुंचकर टैक्सी ड्राइवर बिल्डिंग के आसपास चक्कर काटता रहा। मीटर $11 दिखा रहा था, लेकिन उस बंदे ने सिर्फ $10 ही मांगे। शिव ने टैक्सी ड्राइवर का नाम लेकर कहा कि हेनरी 11 बता रहा है, तुम 10 क्यों मांग रहे हो? ड्राइवर बोला, सर मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, मेरा काम है आपको कही हुई जगह पर सीधा पहुंचाना। मुझे नहीं पता था एग्जैक्ट स्पॉट, और मैं बिल्डिंग के आसपास चक्कर काटता रहा, अब मेरी गलती का भुगतान आप क्यों करोगे? सीधे लाया होता तो $10 ही होते ना, तो लीगली तो 11 ले सकता हूँ, लेकिन उसूल के हिसाब से 10 ही बनता है सर। आगे बोला कि सर सिंगापुर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ज्यादातर लोग यहाँ पर 3-4 दिनों के लिए आते हैं। इमिग्रेशन कस्टम्स क्लियर करके पहला एक्सपीरियंस होता है ड्राइवर के साथ, अगर वही खराब हो जाए तो बाकी का दिन तो खराब ही हो जाता है ना। मैं टैक्सी ड्राइवर नहीं, सिंगापुर का एम्बेसडर हूँ। शिव ने इस एक्सपीरियंस के बाद लिखा था कि शायद वो बंदा 8वीं से ज्यादा नहीं पढ़ा होगा, लेकिन क्या प्रोफेशनलिज्म था उसके काम में। ज्ञान पैसा पढ़ाई सब बाद में आ जाएगा, लेकिन ह्यूमन वैल्यूज उसूल सच्चाई इंटीग्रिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। ये कौन सा काम करते हैं ये जरूरी हो ना हो, काम कैसे करते हैं ये बहुत जरूरी है। 94.3 माय एफएम और अर्चना की ओर से इतना ही। लेट्स टेक प्राइड इन व्हाटएवर दैट वी डू एज इफ ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम हो। सलाम दुआ वणकम प्रणाम सत श्री अकाल केम छो सारू छे अहमदाबाद आखोई मारू।